मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव भले ही अब दूर हो, लेकिन नेताओं ने अभी से अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। भाजपा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को मनाने और उन्हें अपने समर्थन में लाने के लिए हर हथकंडे अपनाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही कुछ नजारा ग्वालियर चंबल में दिखाई दे रहा है, जहाँ एक तरफ भीतरवार में पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा चुनावी समर में उतरने को बेताब नजर आ रहे हैं, वहीं वर्तमान विधायक लाखन सिंह यादव का दावा है कि भीतरवार कांग्रेस का गढ़ है और हम 2023 में भी जीतेंगे। ग्वालियर जिले के भीतरवार विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरूप मिश्रा का दर्द झलका। कार्यकर्ताओं से औपचारिक चर्चा में अरूप मिश्रा ने कहा, पार्टी की भीतरवार विधानसभा सीट पर लगातार हार हो रही है, इसका कारण संगठित ना होना। पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बनाए, लेकिन उसके लिए कार्यकर्ताओं को तन मन धन से जुटाने के लिए जुटना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वही हश्र होगा जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ है। अनूप मिश्रा के बयान पर पूर्व मंत्री भीतरवार से विधायक लाखन सिंह ने दावा किया है कि वो इस बार भी 2023 के इलेक्शन में भीतरवार विधानसभा सीट पर अपना परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के यहाँ एकजुट है, क्षेत्र की जनता उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों से संतुष्ट है, इसलिए उन्हें यहाँ जीत का भरोसा है। सच है और ये दुर्भाग्य है भीतरवार विधानसभा का, या ये कहें कि पूर्व गिर्द विधानसभा, कि यहाँ अगर 100 बार इलेक्शन हुए तो 98 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार भाजपा जीती है। उसी के कारण यह क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है, यह क्षेत्र जातीय समीकरणों में बट जाता है। चुनाव के समय यह क्षेत्र बटता है नेताओं के संबंधों के आधार पर, और उसका नुकसान 5 साल तक क्षेत्र की जनता भुगतती है, और फिर जब चुनाव आता है तो वही पुनरावृत्ति पुनः हो जाती है। इसलिए क्षेत्र पिछड़ा है, सरकार की मंशा पिछड़े रहने की नहीं है। सरकार तक जो जो बातें पहुंचती हैं, उन बातों के कार्यान्वयन के लिए सरकार काम करती है। फर्क इतना है कि आपका प्रतिनिधि अगर जीत कर जाता है तो उस फाइल को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है, और अगर प्रतिनिधि नहीं है तब हम भोपाल जब जाएंगे तब हम सीएम से मिलेंगे, फिर 6 महीने बाद जाएंगे तब दोबारा उसकी बात करेंगे। तो इस कारण से क्षेत्र पिछड़ता है, क्यों झेलना पड़ेगा। भाजपा का कार्यकर्ता कर्मठ है, भाजपा का कार्यकर्ता यह मानता है कि पार्टी ने जिसको टिकट दिया हमें उसके पक्ष में काम करना है, और अगर पक्ष में नहीं करेंगे तो जब वो चुनाव लड़ेंगे गलती से कभी उनका नंबर आया तो दूसरे उसके पक्ष में काम नहीं करेंगे, तो भाजपा कभी जीत ही नहीं पाएगी ना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। नेताओं को करने की आवश्यकता है जो लाइन में लगे हैं, कि आज नहीं तो कल मेरा होगा, आज जिसको मिला है उसको जिता दोगे तो अगली बार तुम्हारा नंबर भी लग। लंबी लाइन लगी हुई है, तय जब भी करें। हमारा कार्यकर्ता बहुत सक्षम है, ये कहना कि कार्यकर्ता के पास वोट नहीं है या नेताओं के पास वोट नहीं है उसे मैं मानने को तैयार नहीं। तो आखिर कमी कहां रह जाती है? हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, उसी का कारण है कि आज भाजपा भीतरवार में नहीं है। स्वाभाविक, चलो आपका भी सक्रियता बढ़ गई है तो कायस लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के विपक्षी नेता भी कहने लगे कि शायद अनूप मिश्रा जी भीतरवार से फिर एक बार मैदान में हो सकते हैं। मेरी सक्रियता 2.5 साल में भी उतनी ही रही, फर्क इतना है मैंने अभी कहा था कि भीतरवार प्रॉपर कम आया, लेकिन कोई ये कहे कि पुराने गिर्द में नहीं गए तो ये कहना बेमानी होगा। गरुड़ रावण का भी नहीं रहा और कंस का भी नहीं रहा, तो गरुड़ तो किसी का रहता नहीं है, आज नहीं तो कल कभी तो लहर आएगी। लॉन्च हुई है गिर्द से हटकर, तब से लगातार यहाँ कांग्रेस जीत रही है, और कांग्रेस जीतने का कारण वो बता रहे थे कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी में डिस्प्यूट है। उन्होंने एक बात और कही थी, मैं सुन रहा था कि जब से ये भीतरवार विधानसभा लॉन्च हुई है तब से इस विधानसभा में विकास के नाम पे जीरो, विकास कुछ नहीं हुआ। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, विकास होना और न होना ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता पे निर्भर करता है, जनता तय करती है कि वहाँ विकास हुआ है कि नहीं। यदि विकास कांग्रेस पार्टी के माध्यम से नहीं हुआ था या वहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने विकास नहीं किया होता तो समूचे मध्य प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की वेव थी वहाँ कांग्रेस जीत रही थी, तो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता वहाँ के क्षेत्रीय विधायक से संतुष्ट है, और इसी का कारण है कि लगातार विषम परिस्थितियों में भी वहाँ से कांग्रेस जीतती है। इस बार भी क्या परचम लहराएंगे आप? बिल्कुल 100% मुझे पूरा अपनी भीतरवार क्षेत्र की जनता पे पूरा कॉन्फिडेंस है
जब विषम परिस्थितियों वो लोग मुझे भितरवार से चुनकर मध्य प्रदेश के विधानसभा भेजते रहे तो मुझे लगता है कि इस बार तो बम्पर वोट। ग्वालियर की भितरवार विधानसभा सीट बेहद चर्चाओं में है। बीजेपी के कई नेताओं की निगाहें भितरवार विधानसभा सीट पर टिकी हुई है। सभी को लगता है कि लाखन सिंह यादव भितरवार विधानसभा सीट पर एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव में उन्हें आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन लाखन सिंह का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो एक बार फिर आत्मविश्वास से लबरेज हैं। भितरवार से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।